अपने काम को एंजॉय नहीं कर सकते तो कोई हमारे काम को एंजॉय नहीं करेगा। मतलब हमें अपने काम दिल से करना पड़ेगा, तब दूसरे के दिल तक पहुंचेगा, मेरा मानना ही है। बात तेरे किसी की जरूरत नहीं, चांद तारों को तकने की फुर्सत नहीं। अस्सलाम वालेकुम स्टारर्स, आप सुन रहे हैं स्टार स्ट्रक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महावेश खान। शो है आपका अपना फेवरेट स्टार स्ट्रक और आज भी मेरे साथ एक बड़ी जबरदस्त एक बड़ी अच्छी शख्सियत मौजूद हैं बॉलीवुड से, इनका ताल्लुक है बॉलीवुड में, ये प्लेबैक सिंगर और साथ ही साथ लिरिसिस्ट के तौर पर काम करते हैं। बहुत सारी मूवीज जैसे हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, इसके साथ बेशुमार मूवीज का इन्होंने किसी के गाने लिखे हैं तो किसी को अपनी आवाज दी है, तो इनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर दानिश साबरी। थैंक यू सो मच महवेश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी मैं देख रही थी हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, इसके अलावा और बेशुमार मूवीज हैं, नाम याद रखना भी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्या कूल हैं हम। तो इनके अपने किसी के गाने लिखे हैं और किसी के आपने मतलब जो ना उसमें अपनी आवाज भी दी है, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी दानिश साबरी, क्योंकि जो साबरी नाम है ना ये बड़ा हमारे बड़े सगीर पाको हिंद में बड़ा फेमस है कव्वाली के लिए, तो मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक भी इसी फैमिली से है। इंडिया में जो ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स हुए हैं, ये ओरिजिनल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे हैं, तो इकबाल अफजल साबरी जिनके आपने गाने सुने होंगे, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, रूट कर हम उन्हें भूल जाने लगे, मतलब बहुत सारी मूवीज में उन्होंने गाया है, शायद किसी कव्वाल ने इतनी इतनी मूवीज में नहीं गाया जितना उन्होंने गाया। तो वो मेरे डैडी थे, उनके ऑफ होने के बाद, उनके ऑफ होने के बाद ये सिलसिला कव्वाली का लिखने का ये सब मैंने चालू किया, गाने का। तो अभी अभी तो बहुत मार्केट में साबरी ब्रदर्स है, मतलब हर दूसरे घर में एक साबरी ब्रदर्स रहते हैं। अच्छा सही सही सही, तो ये तो मतलब जानने की जाहिर सी बात है जो जर्नी है आपकी उसका तो अंदाजा हो ही गया कि आपके जो वालिद साहब थे आपका ताल्लुक ही एक म्यूजिकल घराने से है, तो बचपन से तरबियत का आगाज हो गया था या फिर आपने खुद चुना कि मुझे भी यही काम करना है? नहीं नहीं, पूरे घर में एक माहौल था, बचपन से डैडी रियाज करते थे, चाचा रियाज करते थे, तो बेसिकली जब बुनियाद ही ऐसी होती है ना, और एक म्यूजिक ऐसी चीज है जो लोग जिनकी फैमिली में नहीं होता, आजकल तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो सब म्यूजिक के दीवाने होते हैं और म्यूजिकल होना बहुत जरूरी है। और हम तो सूफी सिंगिंग करते हैं, तो सूफी सिंगिंग तो मेरा मानना है कि खुदा के बड़े नजदीक है, मतलब इबादत की तरह है। सही, तो बचपन से आगाज हो गया था, फिर बॉलीवुड में कब आपने कदम रखा, बॉलीवुड को कब ज्वाइन किया? बॉलीवुड में हमारे डैडी तो पहले से थे, अंकल चचा और मेरे बड़े भाई शबाब साबरी, वो भी गाते थे बॉलीवुड में। मेरा जो आना हुआ वो हुआ है तकरीबन 12 साल पहले, मतलब मैं सहारनपुर से आया 12 साल पहले मुंबई, तो मेरी सरपरस्ती जो रही वो रहे साजिद वाजिद सर। वाजिद भाई ने मतलब मुझे अपने साथ रखा, बहुत प्यार दिया, हालांकि मुझे शुरू से ही सिंगिंग करनी थी, मगर वाजिद भाई ने मेरा छुपा हुआ टैलेंट देखा कि तुम लिख भी सकते हो। तो मैंने पहला गाना सलमान भाई के लिए लिखा, जय हो मूवी का, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, पहला मेरा पहला ब्रेक था। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे गाना गवाया भी था, एक मूवी आई थी सैफ अली खान की बुलेट राजा, उसमें मैंने गाना गाया था, वो बड़ा बड़ा गलत है काम, इसे हर हाल में रोको, अरे वतन किया बदनाम, अब तो सटा के ठोको। तो मतलब दोनों गाने एक तो सटा के ठोको, वतन क्या बदनाम, और एक जो लिख ये तो मैंने गाया था और जो लिखा था वो भी इससे रिलेटिव था कि अपना काम मनता भाड़ में जाए जनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। तो मतलब शुरू में मुद्दे पे बात की हमने, तो ये बड़ी बात है। हाँ, उसके बाद आप शायद आपको पता नहीं है मैंने बहुत सारे गाने लिखे, मतलब जो आज तक बहुत बड़े बड़े सुपरहिट गाने हैं, और मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने जिन जिन मूवीज के नाम लिए ये तो मैंने लिखे हैं, मगर जो मैंने बहुत बड़े बड़े गाने लिखे हैं वो शायद मैं अपने जो अपना शो देख रहे हैं उनके आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। मेरा गाना लिखा हुआ तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, वरुण धवन की पहली मूवी थी, तो मैंने साजिद वाजिद सर के साथ लिखा था, उसी मूवी का गाना था, मेरी जाए तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है, ये दोनों ही गाने बड़े हिट हुए थे। उसके बाद मैंने गाना लिखा मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं मां बहन, वो भी बड़ा हिट हुआ था, वो भी बहुत हिट हुआ था। उसके बाद
उसके बाद काफी गाने लिखे मैंने। जबरदस्त ग्रेट। अच्छा, क्या फर्क होता है जब आप गाने लिख रहे होते हैं और जब आप प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, तो इन दोनों में कितना फर्क होता है, दोनों में से ज्यादा एंजॉय किस काम को करते हैं? मैंने जितना भी काम किया है, मैं अपना जितना भी काम करता हूँ, लिखता हूँ या गाता हूँ, जिसमें मुझे मजा आता है मैं वही काम करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे जबरदस्ती कोई गाना कोई गवा रहा है या मैं गाना चाहता हूँ कि मुझे किसी मूवी में गाना है। अगर मेरे जोनर का गाना नहीं है तो मैं मना कर देता हूँ कि मुझसे नहीं होगा। और अगर जो मेरे जोनर का गाना मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं जितना गा सकता हूँ मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा लिखने में भी वही गाने चूज करता हूँ जो मुझे लिखने में पसंद होते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने काम को इंजॉय नहीं कर सकते, तो कोई हमारे काम को इंजॉय नहीं करेगा। मतलब हमें अपने काम दिल से करना पड़ेगा, तब दूसरे के दिल तक पहुंचेगा, मेरा मानना ही है। बिल्कुल। तो यानी आप दोनों काम ही जब भी करते हैं तो दिल से करते हैं। अभी आपने वाजिद साजिद पाजिद का जिक्र किया, तो आपने उनके साथ काफी काम किया जैसे आपने बताया, तो उनके साथ सबसे अच्छी चीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो क्या है? उनके साथ मुझे एक चीज बहुत पसंद खास तौर से है कि एक बंदिश नहीं है, मतलब एक प्रेशर नहीं है। प्रेशर जो है ना वो काम को बिगाड़ देता है। जैसे अगर मतलब वाजिद भाई के साथ मैं काम करता था, तो वाजिद भाई ना कभी प्रेशर नहीं देते थे। वाजिद भाई का कहता मुझे बुलाते थे, बोलते थे अरे भाई काम करना है आ जाओ, गाना लिखना है, तो मैं जाता था। जाने के बाद इधर उधर की बातें हम चालू कर देते थे, मतलब काम के मकसद से बुलाया, मगर हम उन पलों को एंजॉय करते थे। और उसी के बीच में जब हम बातचीत करते थे, मिलते थे जुलते थे, उन्हीं के बीच में गाना भी बन जाता था। मतलब हंसते खेलते काम हो जाता था, तो वो मुझे बड़ा पसंद था उनके साथ काम करना। और मैंने जितने भी कंपोजर्स के साथ काम किया, अभी मेरे बड़े भाई मीत ब्रदर्स, मनमीत, हरमीत भाई, उनके साथ भी मेरी यही ट्यूनिंग है। जावेद मोहसिन, उनके साथ भी मेरी यही ट्यूनिंग है। जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, कम लोगों के साथ काम किया, मगर अच्छा काम किया, अच्छा ही है। ग्रेट, जबरदस्त, ये अच्छी चीज है। वैसे बाकी मतलब जहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर इस तरह का हो ना कि जहाँ पे आप मतलब इजीली दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो, आपको मुश्किल नहीं हो रही होती दूसरे को समझने में, वहां पे आपका काम अच्छा हो जाता है। अच्छा, साबरी ब्रदरान की मैं बात करना चाहूंगी कि अपनी फैमिली में अगर देखें तो आप, क्योंकि बहुत सारे मौसीकार और बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में मौजूद रहे हमेशा से, सबसे ज्यादा करीब कौन थे, सबसे ज्यादा किसने सिखाया आपको? सबसे ज्यादा मैंने अपने वालिद साहब से सिखाया। मेरी जिंदगी में अगर मैंने जो गायकी में कुछ सीखा है वो अपने वालिद, और मैं शुरू से ही नुसरत फतेह अली खान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। नुसरत फतेह अली खान साहब का मैं, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, जब मुझे होश आया होगा और मैंने कोई आवाज सुनी होगी, तो मैं उस वक्त, मतलब मुझे होश आया होगा कि ये कोई गा रहा है, ये कोई नगमा है, उस वक्त से मैं उनका फैन हूँ। अब मुझे ये नहीं पता है कि मेरी उस टाइम 3 साल की उम्र थी या 4 साल की उम्र थी, मगर ये याद है कि जब होश संभाला तो हम अगर किसी के फैन हुए तो नुसरत फतेह अली खान और अपने वालिद और अपने चाचा। अच्छा, यूजुअली मतलब जैसे आपने बताया ना आपका खानदान जो है कव्वाल बैकग्राउंड है ना, अभी आप जो गाने लिख रहे हैं वो अलग टाइप के हैं बिल्कुल, लेकिन कव्वाल आपकी मतलब एक तरह से कव्वाली अंदर बसी हुई है, जब आपको नुसरत अली खान जो है वो भी बड़े पसंद रहे, तो ये क्या होता है कि जैसे मतलब हम जब हम छोटे थे तो हमारे दौर में कव्वालियों का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन आपको वो कवालियों ने ही अपील किया, तो क्या लगता है आपको कि ये अंदर कोई चीज मौजूद होती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो कवाली से है। मेरे डैडी कवाली करते थे, तो हमारे घर में एक सर्कल बना हुआ था कि डैडी कोई शो करके आए हैं, उसका एक सीडी देख रहे हैं, तो जो कवाली होती है ना, मेरा मानना यह है कि अगर आदमी कवाली का शौकीन नहीं है तो उसको म्यूजिक की आधी नॉलेज है। अगर वो चाहता है कि मतलब हम लोगों के बीच में जो हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, अगर कोई ज्यादा यो और मॉडर्न बनने की कोशिश करता है, तो मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा फेक है। क्योंकि बड़े से बड़ा कंपोजर कवाली में जो सम खुलता है, जिसको हम धा बोलते हैं, एक धा बोलते हैं, तो कवाली में जो सम खुलता है वो सम जो होता है जिसको धा बोलते हैं, वो बड़ी असर करती है। और अगर वो धा वो सम अगर किसी गाने में नहीं है तो वो गाना बेअसर हो जाता है। तो वो गाना मॉडर्न हो या रोमांटिक गाना हो, सैड गाना हो, अगर वो धा बन के नहीं आ रही है, वो सम नहीं खुल रहा है, तो वो बेअसर हो जाता है। और कव्वाली के अंदर हर सेकंड के बाद धा आती है। अच्छा। कव्वाली एक मतलब आज देखो ना आप, कितना मॉडर्न जमाना है, सब कैसे घूम रहे हैं, कौन मॉडर्न गा के शोज कर रहा है,
सारे सूफी सिंगर बने हुए हैं। जो मॉडर्न सिंगर्स हैं वो भी सूफी सिंगिंग गा रहे हैं, नुसरत अली खान को गा रहे हैं, हमारे डैडी की कव्वाली गा रहे हैं। तो आज जगह जगह पे सूफी सुना जा रहा है। सूफी नाइट्स होती हैं, सूफी नाइट्स होती हैं, उसमें कव्वाली होती है। कुछ लोग अपने आप को सूफी सिंगर बोलते हैं, मगर सूफी सिंगिंग बहुत मुश्किल काम है। अच्छी ड्रेसिंग करने से या चश्मा लगा लेने से सूफी सिंगर नहीं बनता। सूफी सिंगर बनने के लिए मतलब बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपको बताया कि मैं 3 साल की उम्र से नुसरत अली खान को, अपने डैडी को सुन रहा हूँ। तो 3 साल की उम्र से अगर मैं सुन रहा हूँ, आज मेरी 33 इयर्स, 30 साल का मुझे तजर्बा है। तो मतलब तो मुझे पता चला कि सूफी क्या है। सूफी में गिराएं होती हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों को सुन के शायरी सुननी पड़ती है, उनकी मुताला होता है। मुताला मतलब याददाश्त, अच्छे अच्छे शायरों के शेर याद, मतलब गालिब के शेर आपको याद है, मीर के शेर आपको याद है, तब जाके आप सूफी सिंगर बनते हैं। बुल्ले शाह के शेर आपको याद है, कबीरदास के दोहे याद है, तब जाके आप सूफी सिंगर बनते हैं। आजकल क्या होता है, आजकल हर आदमी सूफी सिंगर है। अच्छे कपड़े पहने और चश्मा लगाया नाच रहे हैं स्टेज पे, और ये सूफी सिंगर है। खुद नाच रहे हैं, मतलब नचाने के लिए बुलाया था पब्लिक को, और खुद नाच रहे हैं, और ये सूफी सिंगर है। और शेर क्या पढ़ रहे हैं कि मतलब बीड़ी सिगरेट शराब के शेर पढ़ रहे हैं, और ये सूफी सिंगर है। तो मतलब हमारा तो मानना ये है कि सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। जो कुफ्र है दीदार सनम हजरत वाइज, अल्लाह दिखाता है बशर देख रहे हैं। तो हम तो सिर्फ देख रहे हैं जो चल रहा है, और हमारी उम्मीद है, मतलब हमारी मेहनत है। आज मेरे आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, जैसे दिल गलती कर बैठा है, उसमें मैंने सूफी वोकल गाया था, या वो मनमीत भाई, हरमीत भाई मीत ब्रदर्स सर के म्यूजिक में है। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, मैंने लिरिक्स तो स्टार्ट किया साजिद भाई सर के साथ, मेरी सिंगिंग को ब्रेक देने में सबसे पहला हाथ मनमीत हरमीत भाई का है, और अनुराग सर, अनुराग बेदी जो जी के वो है। तो मैंने पहले गाना लिखा था, बैठे बैठे अचानक ही क्या हो गया, वो लिखा था मैंने, स्टेबिन बैन ने गाया था वो। तो मैंने उसका स्क्रैच गा दिया था सही वहां पर जाकर, तो वो बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे और स्टेबिन बैन को और मुझे स्टेबिन, और फिर मैंने गाया था वो गाना मिलकर। फिर स्टेबिन के और मेरे बहुत सारे गाने हैं वो मनमीत भाई इन लोगों ने मुझे, क्योंकि मेरा फर्ज है कि ये बात बोल दू, कभी मुझे अभी याद आई मैं आगे भूल जाऊं, तो जिसने जो किया है उसके बारे में बोल देना चाहिए। अच्छा जैसे आपने बताया कि गानों में तो आपको नुसरत अली खान, आपने शुरू से उनको सुना, तो डेफिनेटली मतलब बॉलीवुड में आप काम करते हैं और बॉलीवुड की मूवीज पूरी दुनिया भर में देखी जाती हैं, आपको बहैसियत एक्टर कौन पसंद था सबसे ज्यादा? और ये कहने वाली बात नहीं, सलमान खान, सलमान भाई के साथ मैंने बहुत काम किया, और सलमान भाई के साथ दबंग 3 भी मैंने की थी। दबंग 3 के सब गाने मैंने किए थे, मुन्ना बदनाम हुआ, नैना लड़े लड़े रह गए, दबंग 3 के साथ ऑलमोस्ट सब गाने मैंने किए थे। और वो मतलब वो तो हमारे बचपने से, हम उनके भी बचपने से फैन है, और अभी भी फैन है। उनको देख के लगता है कि अभी मैं अपने उनकी बात करी तो मुझे लग रहा है कि कुर्ता मैंने टाइट सिलवा लिया, मैं ज्यादा मोटा हो गया हूँ, फिटनेस की बात आ गई ना। हाँ बिल्कुल, वो अभी तक माशाल्लाह बड़े फिट हैं, और वाकई हम बचपन से उनको देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपनी फिटनेस को बरकरार रखा हुआ है। डॉक्टर उम्मे हबीबा फ्रॉम पाकिस्तान सियालकोट, उन्होंने कहा है कि आई एम बिग फैन ऑफ नुसरत अली खान साहब, और मैं आपको शौक से सुनती हूँ बहुत ज्यादा, हर सॉन्ग आपका जो है कमाल का होता है, तो आपका न्यू प्रोजेक्ट कब आ रहा है, और प्लीज ये कतर FM पे शेयर कीजिएगा, और ताकि जो न्यू प्रोजेक्ट है वो हमें सुनने को मिल सके। फेवरेट सिंगर पाकिस्तान से आपका कौन है, और किसके साथ काम करने की आपको ख्वाहिश है, और सिर्फ 2 सॉन्ग प्लीज, मेरा फेवरेट है, 2 लाइन सुना। मैं उन्होंने मतलब मेरा गाना है गाया हुआ मेरा, मैं गाता हूँ, ये जैन रईस जैन करके कंपोजर हैं, उनकी कंपोजिंग है जो मैंने गाई थी, और ये स्टेप मैंने गाया था। मैं रात शो में से आया हूँ, आप मेरी हालत भी देख रहे होंगे, मेरा गला भी बहुत खराब हो रहा है, मगर उन्होंने ये गाना याद रखा उन्होंने सिर्फ तू, तो इसलिए मैं गा लेता हूँ। बात तेरे किसी की जरूरत नहीं, चांद तारों को तकने की फुर्सत नहीं, पालिया है तुझे तो जहां मिल गया, अब किसी और की मुझको चाहत नहीं। मेरा गला बहुत खराब था, मगर मैंने उनके लिए गाया, लेकिन बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। ये गाना भी मेरा फेवरेट गाना है।
रात के शो में था तो मुझे मेरे ध्यान भी नहीं रहा कि हम लोग आज लाइव करने वाले हैं। वो तो अच्छा हुआ हमारी बातचीत हो गई। नहीं मैं आपकी बड़ी मशहूर हूँ, आपने इसके बावजूद भी मुझे टाइम दिया। हबीबा डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने आपसे ये भी पूछा हुआ है कि पाकिस्तान में किसके साथ काम करना चाहेंगे, और दूसरा ये कि न्यू सॉन्ग कौन सा आ रहा है। सिली सिली गाना मेरा आ रहा है, तो वो गाना आप जरूर सुने, 6 बजे रिलीज होगा। एक अपनी धुन चैनल है जो हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोग्रामर आदित्य देव और बहुत बड़ी कंपोजर पायल देव उनका चैनल है, और इसमें रोचक कोहली सर का म्यूजिक है, और रोचक कोहली सर और मैंने ये गाना गाया है। जबरदस्त 6 बजे रिलीज होगा। तो आप बिल्कुल हम सुनेंगे भी और अपने लिसनर्स को सुनाएंगे भी और इनको भी सुनाएंगे, डॉक्टर उम्मे हबीबा को भी इंशाल्लाह। काम करें, मैं चाहता हूं कि मैं काम करूं अनार पटेल खान साहब, मतलब काम नहीं करूं उनके साथ, मतलब थोड़ा बहुत गाऊं, ये मेरे लिए भाई से फक्र होगा क्योंकि उस घराने के हम लोग मतलब बहुत बड़े फैन है। मैं राहत भाई से मेरी मुलाकात भी है, हमने उनके साथ कम से कम 10-12 गाने गए थे, 1.5 महीने राहत भाई और मैं दुबई में रहते साथ में। साजिद भाई सर तो बहुत अच्छे आदमी हैं, और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं जैसे आतिफ भाई हैं, आतिफ असलम बहुत कमाल गाते हैं वो लोग, मतलब नो डाउट बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनके साथ काम करने का दिल करता है, और इंशाल्लाह कोई मौका मिले तो करेंगे जरूर। कि आप जब लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी नाइट सूफी नाइट कवाली नाइट आपकी होती रहती है, तो उसमें आप इंजॉय ज्यादा करते हैं या फिर जब आप म्यूजिक मूवीज के लिए दे रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज्यादा उसको एंजॉय करते हैं, और पब्लिक के साथ जो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है ना आपका फॉरेन से जो इंटरेक्शन होता है उसको कैसे लेते हैं? मेरा मुझे सबसे ज्यादा मजा लाइव शो में आता है, लाइव शो की जो बात होती है ना, और अगर मतलब आप धन्य हो गए आपको अगर अच्छी पब्लिक मिल गई। आजकल क्या होता है, आजकल तो मतलब हमारा मानना है कि मैं अगर नुसरत अली खान का भी कोई कलाम गाता हूँ उसमें मैं बहुत चीजें ऐसी होती है जो अपनी एडिशन करता हूँ, मतलब जो मेरी जिद्दत होती है और उसको नया बनाने की कोशिश करता हूँ। और खान साहब का कलाम गाना तो आसान बात नहीं है, हम भी नहीं गा पाते, मगर अगर हम गाते हैं तो हम उसको अपने तरीके से गाते हैं, मतलब हम उसको अपना बना लेते हैं कि भाई ये चीज में हम परफेक्ट है, मतलब लेग स्टंप पे हमारे शॉट अच्छे जा रहे हैं तो हम लेग स्टंप पे मारते रहे, हमें रन बनाने हैं। तो इसी को नजर में रखते हुए मैं खान साहब के भी कोई कलाम गाता हूँ तो मतलब मैं उसमें अपनी जिद्दत अपनी कुछ कोशिश पैदा करता हूँ। और मगर आज आज का जमाना ऐसा हो गया है, रात भर गाएंगे देखते देखते मेरे रश्के कमर और सुबह को लिखेंगे हैड ए ग्रेट शो लास्ट नाइट, मतलब इन्होंने धमाल कर दिया है। पब्लिक को मैं भी खुद पकड़ पकड़ के लेकर आएंगे कि नाचो, अरे यार हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, जिनका हम शो करने के लिए आए उन्होंने हमें बुलाया है, उनको खुद को हमारे पास आना चाहिए अगर उनको नाचना भी है तो उनको, वो खुद जब आएंगे जब उनको मजा आएगा तो उसका मतलब उनको मजा नहीं आ रहा है, हम उनके पास जा रहे हैं कि आप नाचो। अब एक आर्टिस्ट को अगर उन्होंने बुलाया तो कोई सामने वाला जो बैठा है वो तो जरूर उठ के नाचेगा ही, वो थोड़ा बोलेगा कि भाई तू जाके अपने स्टेज पे काम कर। तो मुझे मजा तब आता है महविश जब ऑडियंस अच्छी हो, मतलब नाचने वाली ना हो सुनने वाली हो, जो सुनने वाली के अंदर एक रो पैदा होता है ना, जो मतलब एक तारी होता है एक समा, वो कभी नहीं होगा, वो किसी महफिल में नहीं हो सकता। अगर सुनने वाला नहीं है तो आप सुनाने वाले नहीं है, अगर सुनने वाले हैं तो आप सुनाने वाले हैं। जबरदस्त, बड़ी गहरी बात की है आपने, बहुत जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत जबरदस्त सा म्यूजिक आप ऐसे ही हमारे लिए बनाते रहे, हम आपको सुनते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।